750 millimeter is equal to 75 centimeter. 135 mint plus 70 mint is equal to 205 mint. In the unitary method, first we find out the cost of one item. 12 R37 mint is equal to 757 mint. 16 ratio 32 in the lowest form is 1 ratio 2. In 145 mint, there are 2 hours and 25 mids. when one quantity increases as the other decreases they are said to be inversely proportional an acute angle is any angle greater than 0 degree but less than 90 degree two right angles make a straight angle if 3 kg of sugar cost rupees 210 then 1 kg of sugar will cost rupees 70 the unit of measurement of temperature is degree there are 56 days in 8 weeks 730 days are equal to 2 years the boiling point of water 212 f the freezing point of water is 0 degree centigrade question number 2 state whether the following are true or false a there are 50 52 weeks in a calendar year, true. 0 degree C is the same as 32 degree F, true. Half an hour is equal to 40 minutes, false. The ratio of 9 bags to 30 bags is 3 ratio 10, true. The distance between two far away places is measured in kilometers, true. There are 90 degrees in a straight angle, false. The normal body temperature is ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड फॉल्स द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स टू क्वेश्चन नंबर थ्री कन्वर्ट द फॉलोइंग हंड्रेड मिनट इन टू सेकेंड हमने हंड्रेड मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना so है सो वन मिनट इज इक्वल है सिक्सटी सेकेंड हंड्रेड मिनट किसके इक्वल होगा सिक्सटी को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स हंड्रेड सेकेंड दिस इज अवर आंसर बी सेवेंटी फाइव सेकेंड इंटू 75 सेवेंटी फाइव सेकेंड को सिक्सटी से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा वन मिनट फिफ्टीन सेकेंड टू सेवेंटी मिनट इंटू आरस वन किसके इक्वल होते हैं सिक्सटी मिनट तो टू सेवेंटी को हम सिक्सटी से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टू आवर थर्टी मिनट टेन आर इंटू सेकेंड वन आवर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड टेन आर किसके इक्वल होगा टेन को मल्टीप्लाई कर देंगे थर्टी सिक्स हंड्रेड से सो आंसर इज थर्टी सिक्स थाउजेंड सेकेंड ई सेवनटी टू हंड्रेड सेकेंड इन टू टू हंड्रेड को डिवाइड कर देंगे हम थ्री थर्टी सिक्स हंड्रेड से हमारा आंसर आ जाएगा टू आर क्वेश्चन नंबर फोर कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इन टू अदर स्केल सेवनटी f सेवेंटी सेवन एफ एफ मीन फॉर्न हाइट एंड सी मीन सेल्सियस फार्मूला है इसका हमारे पास सी इज इक्वल टू एफ माइनस थर्टी टू मल्टीप्लाई बाय फाइव ओवर नाइन वैल्यूज बुट कर देंगे सेवनटी सेवन माइनस थर्टी टू मल्टीप्लाई फाइव बाई नाइन सेवनटी सेवनटी सेवन में से थर्टी टू को सब्ट्रैक्ट किया तो फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई फाइव बाई नाइन कटिंग कर देंगे नाइन वन जा नाइन नाइन फाइव ज फोर्टी फाइव सो फाइव मल्टीप्लाई फाइव इज ईक्वल टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस बी फोर्टी फाइव डिग्री सी फार्मूला है फाइव एफ़ इज़ इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई नाइन बाई फाइव प्लस थर्टी टू वैल्यूज़ पुट करेंगे 45 फाइव मल्टीप्लाई नाइन बाई फाइव प्लस थर्टी टू कटिंग कर देंगे फ़ाइव वन ज़ा फ़ाइव फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव नाइन को नाइन से मल्टीप्लाई किया नाइन मल्टीप्लाई बाई नाइन प्लस थर्टी टू नाइन नाइन ज़ा एटी वन प्लस थर्टी टू दोनों को ऐड कर देंगे सो आंसर इज़ वन हंड्रेड थर्टीन डिग्री फॉन हाइट सी पार्ट टू हंड्रेड एफ़ फार्मूला सी इज़ इक्वल टू एफ़ माइनस थर्टी टू मल्टीप्लाई बाय फाइव बाय नाइन वैल्यूज बुट करेंगे टू हंड्रेड माइनस थर्टी टू मल्टीप्लाई बाय फाइव बाय नाइन सब कर देंगे टू हंड्रेड में से थर्टी टू को वन सिक्सटी एट मल्टीप्लाई बाय फाइव बाई नाइन वन सिक्सटी एट को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो ऐट फोर्टी ओवर नाइन एट फोर्टी को नाइन से डिवाइड कर देंगे नाइन्टी थ्री पॉइंट थ्री डिग्री सेल्सियस दिस इज़ आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व द फॉल्विंग एट पैकेट्स ऑफ कैंडी कॉस्ट रुपीज़ थ्री फोर्टी वट इज द कॉस्ट ऑफ फिफ्टीन पैकेट्स ऑफ कैंडी कॉस्ट रेशो कॉस्ट प्रोपोर्शन पैकेट रेशो कॉस्ट ये हमारा फार्मूला है वैल्यूज पुट करेंगे थ्री फोर्टी रेशो सेकेंड हमने कॉस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको हम लेट कर लेंगे एक्स प्रोपोर्शन फर्स्ट कॉस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ कैंडी हमें दी गई है एट एंड सेकेंड फिफ्टीन सो एट किससे मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ और फिफ्टीन मल्टीप्लाई होगा थ्री फोर्टी के साथ फिफ्टीन को थ्री फोर्टी से मल्टीप्लाई किया तो फाइव वन डबल ज़ीरो एट इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू के उस साइड पे जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा फिफ्टी वन हंड्रेड को एट से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिक्स थर्टी सेवन पॉइंट फाइव रुपीज़ क्वेश्चन नंबर सिक्स अ डजन कलर पेन्स कॉस्ट रुपीज़ वन ट्वेंटी हाउ मच विल फिफ्टीन सच पेन्स कॉस्ट द स इज़ कॉस्ट ऑफ ट्वेल्व कलर पेन्स इज़ इक्वल टू वन ट्वेंटी रुपीज़ कॉस्ट ऑफ वन कलर पेन इज इक्वल टू वन ट्वेंटी को डिवाइड कर देंगे ट्वेल्व से तो ये हमारा आ जाएगा टेन रुपीज़ अब हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ फिफ्टीन कलर पेन्स टेन को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव फिफ्टीन के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा वन फिफ्टी रुपीज दिस इज अवर आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन आ स्पेंड फिफ्टी मिनट्स ऑन अ प्रोजेक्ट देन सारा टू कवर द टास्क एंड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन फिफ्टी फाइव मिनट्स 15 सेकंड्स सेकेंड्स हाउ मच टोटल टाइम वाज स्पेंड ऑन द प्रोजेक्ट गिव यूर आंसर इन सेकेंड्स सो सोल्यूशन इज़ आशीर स्पेंड टाइम ऑन अ प्रोजेक्ट 50 मिनट्स सारा कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट 55 मिनट 15 सेकंड, टोटल कितना टाइम स्पेंड हुआ इस प्रोजेक्ट के लिए 50 मिनट में ऐड कर देंगे हम 55 मिनट 15 सेकंड को तो ऐड करने से हमारा आंसर आएगा 105 मिनट 15 सेकंड मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ और उसमें ऐड कर देंगे 15 105 को जब 60 से मल्टीप्लाई किया 66 हंड्रेड प्लस 15 इन दोनों को ऐड करेंगे 6315 सेकंड्स दिस इज आवर आंसर क्वेश्चन नंबर एट द ट्रेन टू एट आर फोर्टी मिनट फिफ्टी सेकेंड टू रीच कराची फ्रॉम लाहौर वट इज़ द टाइम टेकन इन मिनट्स एंड सेकेंड्स द सोल्यूशन इज ट्रेन टुक रीच कराची फ्रॉम लाहौर एच आर फोर्टी मिनट फिफ्टी सेकेंड आर से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे फोर्टी को एच आर प्लस सिक्सटी प्लस फोर्टी मिनट फिफ्टी सेकेंड एज इट इज़ आएगा एट को सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एटी मिनट प्लस फोर्टी मिनट फिफ्टी सेकेंड अब मिनट्स को ऐड कर देंगे फोर एटी में ऐड करेंगे फाइव तो हमारे पास आ जाएगा फाइव ट्वेंटी मिनट फिफ्टी सेकेंड अब मिनट से अगेन सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिफ्टी ऐसे ही ऐड कर देंगे फाइव ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी प्लस फिफ्टी सेकेंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो थ्री वन टू डबल ज़ीरो सेकेंड प्लस फिफ्टी सेकेंड अब दोनों इस सेकेंड में कन्वर्ट हो गए हमारे दोनों को ऐड कर देंगे थ्री वन टू डबल जीरो प्लस फिफ्टी तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा थ्री वन टू फाइव जीरो सेकेंड दिस इज आवर आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन ड्रॉ दीज एंगल्स यूजिंग आ प्रोटेक्टर नाइन्टी सिक्सटी वन फोर्टी फाइव फिफ्टी डिग्री एंड फोर्टी डिग्री ये ऑलरेडी आपकी नोटबुक्स पे डन हो चुके हैं आपने इनकी बेटा प्रैक्टिस करनी है घर में क्वेश्चन नंबर टेन ड्रॉ दीज रिफ्लेक्स एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर रिफ्लेक्स एंगल आपने प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करने हैं जो कि ऑलरेडी डन हो चुके हैं आपकी क्लासरूम में आपकी नोटबुक्स पे फर्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू थ्री ट्वेंटी डिग्री सेकेंड है रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू टू हंड्रेड डिग्री बेटा इनकी आपने अच्छी से प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक पे So, students, practice all the questions and best of luck for home assessment. Take care. Allah Hafiz.